देखो सीको चैनल पर आज मैं आपको क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के फाइनल एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम के 2020 के इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। मेरे गैस को फॉलो कीजिए, देखो सीको को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए कि मैं इम्पॉर्टेंट गैस लेकर आ गई हूँ और ये गैस लास्ट ईयर की तरह भी इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हिट जाएंगे। तैयारी कीजिए, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन 99% आते हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आएंगे। सेक्शन नंबर ए में हमारे पर फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं और जो कि जिसकी प्रिपरेशन मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, तमाम चैप्टर्स की मैंने प्रिपरेशन आपको करवाई है, एमसीक्यूज की जो कि 100% है। और उसके बाद सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन बी में आपको पता है कि हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जिसमें से हमें, और हर क्वेश्चन के ए बी सी पार्ट होते हैं जिसमें से हमें 2 पार्ट करने हैं। लाइक ए बी सी में से हमें ए बी या ए सी या बी सी करना है। इस तरह से हमारे 5 में से हम जब कम से कम 2-2 सवाल करते हैं ए बी पार्ट्स मिला के, तो हमारे पास 10 क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली हमें 10 क्वेश्चंस करने होते हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन आप देखिए। आपके पास जो फर्स्ट आता है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से ही आता है जिसमें वह डिमॉगन्स लॉ है या सिमेट्रिक निकालनी है आपने। तो लास्ट ईयर अगर ए सिमेट्रिक आ गया है तो अब आपने डिमॉगन्स लॉ पे कंसंट्रेट करना है कि आपको सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, यूनिवर्सल सेट इस तरह से आपको दिया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपने फिर इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के देन आपको प्रूफ करना है डिमॉगन्स लॉ। समटाइम्स आपको डिमॉगन्स लॉ इसी तरीके से आपको एज एन फॉर्मूला दे देते हैं और बाद जब आपको सिर्फ डिमॉगन्स लॉ लिखते हैं तो आपको खुद ही अपनी मर्जी से दोनों में से कोई एक लॉ लेके और आपने प्रूफ करना होता है। एसिमेट्रिक आप देख लीजिए, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बी आप देखिए कि उसके भी 2 फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज भी आप मेरे एमसीक्यूज़ में देखिएगा कि एमसीक्यूज़ में आपको फार्मूलाज तो सभी करने हैं, तो आप इसको भी प्रूफ करेंगे। आप लास्ट ईयर मेरे ख्याल से ही आ चुका है तो आप डिमॉगन्स लॉ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, बट डू प्रैक्टिस दिस ऑल्सो। फिर आप सिंप्लीफाई देख लीजिए, सिंप्लीफाई में नोट कर लीजिए कि ये सिंप्लीफाई के जो हमारे वेरिएबल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको फॉलो कीजिएगा। देन ये भी एक वेरिएबल वाला है सिंप्लीफाई का, इसको फॉलो कीजिएगा। फिर ये एक्सपोनेंट पावर वाले जो यहाँ पर सिंप्लीफाई के हैं, 125 के पर स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड बाई 64 पर होल स्क्वायर, देन पूरी इस पर 1/3 का पावर है, इसको सॉल्व करना है आपने। सॉल्व द लॉगरिथम आप देखिए, 85.7 इंटू 2.47 डिवाइड बाई 8.89, 86 का स्क्वायर इंटू 36.37 डिवाइड बाई 59 और 0.87 डिवाइड बाई 28.9 मल्टीप्लाई 0.789। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉगरिथम के क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई एक ज़रूर आता है। फिर आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1/p² इफ पी इज इक्वल टू 3+2√2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मालूम करना है आपको इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 3a + b इज 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ l³ + m³ + n³ - 3lmn व्हेन l + m n इज इक्वल टू 15 एंड द lm + mn + nl ओके इज इक्वल टू 674। x³ - 1/x³ की वैल्यू मालूम करनी व्हेन x - 1/x इज इक्वल टू 4 और x + y इज इक्वल टू -9 एंड xy की वैल्यू 20 है, तो आपने x - y की वैल्यू मालूम करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये सबकी प्रैक्टिस करेंगे, इनमें से कोई एक सवाल आता है आपका। फिर आप ये देखिए, सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं, 5x - 2y = 1, 2x - y = 0, 4x + y = 2, 7x + 2y = 3। या अगर आप देखिए इस चैप्टर में से, या तो ये मैट्रिक्स के थ्रू आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, या आपके पास a इनवर्स इंटू a वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रूव करना है, या आपके पास क्रैमर्स रूल आता है, इन तीनों में से कोई एक टाइप आती है। आप तीनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कोई एक टाइप ज़रूर आएगी आपके पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी x² + 4xq + 10x² + ax + b इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस चैप्टर में से या तो आपके पास ए और बी की वैल्यू मालूम करनी होती है थ्रू परफेक्ट स्क्वायर, या आपको बताना होता है कि
what should be added to the expression दी जाएगी will be perfect square. ठीक है, तो आपने ये सवाल आता है या ये इस तरह से सवाल आता है. For what value of q will be the expression, आपको expression दी हुई है इसमें से, और ये perfect square है, ये बताया गया है, और q की value निकालनी है. तो ये तीनों सवाल हैं इस chapter में से. इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, इनकी practice कीजिएगा, इसमें से एक सवाल ज़रूर आएगा. Last time probably a and b की value निकालने के लिए आया था, तो इस दफ़ा chances है कि हमारे पास what should be added वाली चीज़ आ जाए. लेकिन do practice all. Find the variance of x bar is equals to 19.5, n की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, और आपको वेरियंस निकालना है. या इस तरह से पूछा जाएगा आपको कि आपको x bar की वैल्यू दी हुई है और आपको डेल्टा x की वैल्यू दी हुई है और डेल्टा x स्क्वायर की भी वैल्यू दी हुई है, और आपने वेरियंस निकालना है. या आप देखिए कि आपके पास इस तरह से सवाल आ सकता है जिसमें आपको मीडियन मालूम करना है. आप देखिए, आप मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन ऑफ देयर नंबर्स. मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, आप अपने पास इनको उतार लीजिए और इनको सॉल्व ज़रूर कीजिए. ये दोनों मैंने डाटा आपको बना दिए हैं, इन दोनों के आपने मीडियंस निकालने हैं. ठीक है, फिर आप देखिए इस तरह से सवाल आता है कि आपने मॉड मालूम करना है. आपको डाटा दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, और आपको मॉड मालूम करना है. ये मैंने आपको डाटा दिया है. फिर आपके पास मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं, वेट दिया हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और आपने इनका मीन वेट निकालना है. तो मीन भी निकालने को आता है. अ सेट ऑफ डाटा कंटेन द वैल्यू एज, ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं, आपको आपने शो द, मतलब आपको प्रूफ करना है कि मॉड इज़ ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मीन. यानी आपको मॉड, मीडियन, मीन तीनों की वैल्यू निकालनी है और वो प्रूफ करनी है कि ये mod is greater than median and median is greater than mean. Find the value of all trigonometric ratios of angle 30 or 60 की आपने trigonometric ratios की practice करनी है. अच्छा, और जो word problem आप देखेंगे trigonometry की, आप मेरी video देखिएगा YouTube पर जाके, BSEK देखो सीखो BSEK डालकर, और फिर आप maths की playlist में जाएंगे तो उसमें आपको मेरी word problems की video दिखेगी. trigonometry की वही problems important है, उन्हीं की तैयारी कीजिएगा. शॉर्ट थ्योरम में आप देखिए 1, 2, 4, 6 एंड देन आप वेरिएशन चैप्टर जो इस पर देखिए कि उसका इनमें से एक सवाल है जो लास्ट ईयर आ चुका है, उसको ज़रा लाइट लीजिएगा, बाकी सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा. इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू ई अपॉन डी, देन प्रूव दैट ए 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर e square minus e 4f upon b 4 plus b square f square minus f 5 is equals to a 4 upon b 4. और एक ये सवाल है आपका, आप क्वेश्चंस देख लीजिए और अपने पास उतार लीजिए. इन तमाम, और का मतलब ये नहीं कि आपने एक सवाल की प्रैक्टिस करनी है, आपने इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करनी है. ये देखिए आप, फिर ये वाला सवाल है एक, इफ़ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f प्रूव दैट दिस, ये एक सवाल है. फिर x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन e प्रूव दैट x क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस y क्यूब अपॉन b स्क्वायर प्लस z क्यूब अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z होल क्यूब अपॉन a प्लस b c होल स्क्वायर. ये वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं. इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d प्रूव दैट a square plus b square upon a square minus b square is equals to ac plus bd upon ac minus bd. Elimination का देख लीजिए आप कि elimination के जो questions आते हैं वो important ये है. x plus 1 upon x is equals to 2p, x minus 1 upon x is equals to 2q plus 1. Eliminate a, उसमें से eliminate x करना था, इसमें से eliminate a करना है. a square plus 1 upon a square is equals to m square, a square प्लस वन अपॉन ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर इज इक्वल टू बी फोर. एलिमिनेट वाई करना है इसमें से, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है. देन एलिमिनेट एक्स करना है, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है. फिर एलिमिनेट एक्स करना है, एक्स अपॉन ए प्लस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू बी, एक्स ए माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू सी. इसमें से आपको x एलिमिनेट करना है, यहाँ से भी आपको x एलिमिनेट करना है. x इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू b इंटू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन
2t2, इसमें से आपको x एलिमिनेट करनी है. एलिमिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फाइंड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन सेट के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आप देख लीजिए. एक ये सवाल है रूट के, रूट्स के मैंने दो सवाल दिए. लास्ट टाइम हमारे पास रूट का ही क्वेश्चन आया है तो उसको लाइट लीजिएगा. इस दफ़ा मॉड्यूल का आने के चांसेस हैं और अनइक्वालिटी के. दिस दीज क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट. x प्लस 5 अपॉन 10 लेस देन 25 माइनस 4x अपॉन 5, एक ये वाला भी है और एक ये भी. ये तीन सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. और इधर से आप देखिए कि इनकी भी प्रैक्टिस तो ज़रूर करें आप, लेकिन लास्ट ईयर क्योंकि ये वाली टाइप आ चुकी है तो इस दफ़ा ये वाली टाइप मॉड्यूल वाले की आप प्रैक्टिस कीजिएगा. और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला लास्ट ईयर नहीं पूछा गया. 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले की अगर आप एक दो सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें करना क्या है. तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. फिर आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो प्रूफ के जो क्वेश्चन हैं वो आप मेरी देखो सीखो चैनल की वीडियो पे देखिएगा. इसमें मैंने तमाम प्रूफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं आपके एयर के एतबार से. तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके. रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स में आप मेरी वीडियो देखिएगा. एक्सरसाइज नंबर 5.6 की बहुत इंपॉर्टेंट है. इस साल ज़रूर इससे सवाल आएगा, लास्ट ईयर नहीं आया. इस दफ़ा तो ज़रूर आएगा. तो मैंने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने कराई है, उन वहाँ जाके देखिएगा आप. फिर आप सर्कल वाले थ्योरम देखिए, 1, 2a, 2b, 4 and 6, ये इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, ग्राफ की भी आप देखिएगा. ग्राफ की भी मेरी जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है मेरी देखो सीखो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ग्राफ मैंने सिखाया भी है कि किस तरह बनाना है और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं. मीनवाइल मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ये हैं. 3x-11 = y, x-3y = 9, 2x = y + 5, x = 2y + 1, x + y = 4, 2x - 1 = 5y, y = 3x - 5, x + y = 1. ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं. मज़ीद और इन्फॉर्मेशन आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे आप जाएंगे इसी वीडियो में आप देखिएगा प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स की ग्राफ के, उसमें जाइएगा. आपको सिखाया भी है और बताया भी कि इंपॉर्टेंट मज़ीद और क्वेश्चन कौन से. सेक्शन सी देखिए आप. सेक्शन सी में जो लॉन्ग थ्योरम है हमारे पास 7, 8, 10 था. इसमें से एक हमारा लास्ट ईयर आ चुका है, 8 आ चुका है. अब 7 और 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली. इसमें से एक सवाल आता है जो कि मैं आपको ग्राफ बता चुकी हूँ अभी कि किस तरीके से आपने मेरी वीडियो में जाके देखना है. ये लॉन्ग सेक्शंस के सवाल होते हैं. और एक हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है. फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसमें से 4 हमें फैक्टराइज करने पड़ते हैं. आप ये देख लीजिए कि मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस निकाले हैं. x + 4 + 4y = 5x²-13x-6, 8a³+bq+7, 27cq-18ab, x³-x² + 2ax4-a/16. आप ये देख लीजिए. देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बच्चों को मशवरा देती हूँ कि फैक्टराइजेशन की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बच्चे गलती की चांसेस भी बहुत निकाल लेते हैं. तो मैं कहती हूँ कि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, लेकिन पेपर में अटैम्प्ट ज्योमेट्री ज़रूर कीजिए. ज्योमेट्री बहुत आसान होती है. एक क्वेश्चन आपका ग्राफ का हो जाएगा, एक थ्योरम कंपलसरी और एक आपकी ज्योमेट्री. तीन क्वेश्चंस निकल आएंगे आपके सेक्शन सी से. फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा आप रिलक्टेंट ही रहें कि ये यहाँ पे गलती के चांसेस होते हैं. क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, अगर आप उतार के आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर लीजिए. फिर आप देखिए इस दफ़ा जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट कॉमन टेनियंट, आप देखिए वीडियो पे मैंने देखो सीखो पे जाइए, आपको मैंने प्रैक्टिस कराई है क्वेश्चंस की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है. और इवन मैंने आपको इसका प्रेजेंटेशन भी बताई है कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को लिखना होता है. ट्रांसवर्स कॉमन टेनियंट की भी आप देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. इंस्क्राइब सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर जाइए और देखिए ये इंपॉर्टेंट गैस है और इनके मैंने पॉइंट्स तक आप लोगों को लिख के बताएं कि इनके थ्योरी किस तरह होगी और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में प्रैक्टिकली कैसे बनाना है इनको, वो भी मैंने आपको सिखाया है. देखो सीखो के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए इन्हीं की प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली इन्हीं में से पेपर आना है. और आगे भी मैं मज़ीद आपको तमाम पेपर्स की डिटेल दूँगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.